आज मैं फिल से लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक नया चटपटा कम तेल का नाश्ता। एक चम्मच तेल में ये नाश्ता आज हम बनाकर तैयार करेंगे जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले लेंगे आधा कप बेसन, बेसन में ऐड कर देंगे एक चौथाई छोटा चम्मच नमक और मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैटर रेडी कर लिया है। कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई को मैंने गैस पे गरम कर लिया है, इस पर डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल। इतने ही तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार होगा, आगे हम तेल इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। तेल हो चुका है गरम, इस पर डालेंगे दो हरी मिर्ची बीस से कटी हुई, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। हल्का सा इसे चला लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की आधी शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद फिर से चलाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बीच में चलाते रहेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है। इसमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, तो हल्का हल्का सा सॉटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आपको तेज आंच पे इन्हें भूनना है, नहीं तो इनका कलर भी चेंज हो सकता है, जो कि हमें नहीं करना है। तो हल्का सा सॉटे करने के बाद ही हम इसमें दो बड़े साइज का इस तरह से बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें मेन जो फ्लेवर होता है वो टमाटर का ही होता है, तो टमाटर को ज़्यादा ऐड करना है आपको। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। अब इसे इस तरह से चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। टमाटर को हल्का सा आपको गला लेना है, तभी मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। तो हल्का साथ जब टमाटर इसमें गल जाएगा तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो देखिए एक मिनट तक इस तरह से मीडियम फ्लेम पे भूनने पर हल्का सा टमाटर गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप, इससे बहुत ही टैंगी सा चटपटा सा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो यहाँ पे सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं इसमें। इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर मसाले जैसे कि हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं इसमें। पाव भाजी मसाला ऐड करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मिला लिया है मसालों को और इस तरह से थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो सभी मसाले और सब्जियाँ हैं हल्की सी पक चुकी हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है दो बड़ा चम्मच जितना, और मिला लेंगे इसे। और जैसे ही पानी को हम मिलाएंगे इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज का हाथों से क्रश किया हुआ उबला हुआ आलू। इस तरह से आलू ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, बट आलू इसमें बहुत ही कम ऐड करना है क्योंकि इसमें मेन फ्लेवर आना चाहिए टमाटर का। तो आलू मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का इसमें इस्तेमाल किया है। इसे हम मिला लेंगे और यहाँ पे हो चुकी है हमारी बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी सी स्टफिंग तैयार। ये देखिए कितनी ज़्यादा चटपटी लग रही है। तो इसे अब हम निकाल करके ठंडा कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे चार वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड यहाँ पे फ्रेश होनी चाहिए, तो चार ब्रेड के पीसेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इन्हें हम कट करेंगे राउंड शेप में, तो इसके लिए आप कोई कटोरी ले सकते हैं। तो कटोरी की मदद से मैं इन्हें गोल गोल शेप में कट कर लूँगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो सभी को ऐसे ही हम कट करके तैयार कर लेते हैं। आज की ये रेसिपी चटपटी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इजी और हेल्दी भी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन ऑल पे प्रेस कर लें जिससे आप मेरे कोई भी वीडियोज़ मिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को कट कर लिया है और ये जो साइड्स बचे हैं ना इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, इनके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या फिर बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो जितनी आपके पास ब्रेड थी उतनी ही कटोरियाँ ले लेनी है आपको। मैंने यहाँ पे चार ब्रेड ली थी तो चार कटोरियाँ ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ज़्यादा बनानी हो तो। अब जो कटोरी की मदद से हमने ब्रेड के पीसेस राउंड शेप में कट किए थे उन्हें इस तरह से कटोरी में डाल देंगे। कटोरी में ब्रेड के पीसेस अच्छे से लगाने के बाद इसमें ऊपर से एक एक स्लाइस रख देंगे टमाटर का। टमाटर के पीसेस इस तरह से लगाने से इनमें बहुत ही ज़्यादा टैंगी और चटपटा सा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है। तो मेन जो यहाँ पे फ्लेवर हम इसमें देंगे वो टमाटर का ही होगा, तो टमाटर के स्लाइसेस भी हमने इनमें लगा दिए हैं। आप चाहे तो टमाटर के साथ साथ प्याज के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं और पनीर हो तो पनीर को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चटपटी सी स्टफिंग जो हमने तैयार की थी उसे एक एक बड़ा चम्मच इसमें इस तरह से टमाटर को कवर करते हुए डाल देंगे।
सभी पे स्टफिंग लगाने के बाद ऊपर से मैं इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है चीज़, और बड़े भी पीछे नहीं हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ पसंद है। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं, आप इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने एक ही चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है। चीज़ ऐड करने से बहुत ही अलग सा टेस्टी सा फ्लेवर आता है, बट ये ऑप्शनल भी है एक तरह से, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसके बाद जो बेसन का घोल हमने तैयार किया था उसमें थोड़ा सा डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। तो यहाँ पे एक चौथाई छोटा चम्मच मैंने इनो डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा पानी डाल करके इनो को एक्टिवेट कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इनो ऐड करने से बैटर काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है, बट आप चाहें तो इसकी जगह पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनो को भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लिया है। अब सभी कटोरियों के ऊपर ये बैटर डालेंगे। जितने भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं सभी को कवर करते हुए बैटर को फैलाते हुए कटोरी में डाल देंगे। तो देखिए सभी कटोरियों को कवर करते हुए मैंने बेसन का बैटर डाल दिया है। अब हम इन्हें हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो इन्हें स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए पहले से ही रख दिया था जो कि उबल चुका है। ऊपर से एक छन्नी रख देंगे और छन्नी के ऊपर रख देंगे इन्हें। अब हम इन्हें ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। सभी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ बेसन को ही पकना है, तो 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा दिया है मैंने और आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे तो टूथपिक की सहायता से भी चेक कर सकते हैं, बट आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाते हैं। इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें कटोरी में से निकाल लेंगे। तो इनके साइड्स सबसे पहले आप चाकू की मदद से छुड़ा लें तो ईज़िली ये निकल आएंगे। कोई भी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ साइड्स आपको छुड़ा लेने हैं इसके। इनके पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद ही इन्हें डीमोल्ड करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी शेप का कितना अच्छा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। वैसे इन्हें निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें कटोरी में ही ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, उसी में ही खा सकते हैं। बट मैंने इन्हें निकाल करके भी आपको दिखा दिया है, इस तरह से भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने यूनिक लग रहे हैं, बिल्कुल नए स्टाइल का नाश्ता है। तो चलिए इन्हें कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए कट करने के बाद कितना ज़्यादा यूनिक, टेम्पटिंग, टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी, यम्मी सा। तो आप इसे झटपट से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।